हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रबंध था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। आपको करना क्या है, जो व्यक्तियों की संख्या है, जो सैनिक हैं, एक तरफ तो उनको लिख लीजिए और दूसरी तरफ लिख लीजिए दिन को। ठीक है, दिन लिख लीजिए दूसरी तरफ। 150 सैनिक थे, 150 लिख लो। अब 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, जिसमें से 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले को छोड़ के चले गए। तो जो 50 सैनिक किले को छोड़ के गए हैं, उन्होंने 20 दिन तक तो भोजन किया था भाई। 20 दिन तक तो पूरे 150 ने भोजन किया है। जो 150 सैनिक हैं, उन्होंने 20 दिन तक भोजन किया है, उसके बाद में 50 सैनिक गए हैं। तो 20 दिन तक भोजन किया है, 50 दिन का भोजन था, जिसमें से 20 दिन तक कर लिया। टोटल भोजन कितने दिन का था? 50 दिन का था, जिसमें से 20 दिन भोजन कर लिया, तो बचा कितना भोजन? अब 30 दिन का बचा। अब 50 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए हैं, तो 100 बचे हैं भाई। 150 थे, 50 चले गए, तो 100 बचे। अब भोजन कितने दिन चलेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अब इसको आप बड़ी ही आसानी से बना पाओगे। जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो, और 15 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो ये हो जाएगा 45। तो अब जो बचा भोजन है वो 45 दिन चलेगा। ठीक है, वैसे तो चलता 30 दिन, अगर ये 50 सैनिक किला छोड़ के नहीं जाते तो 30 दिन चलता, लेकिन 50 सैनिक चले गए हैं तो व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है, इसलिए अब वो ज्यादा चलेगा, 45 दिन चलेगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? एक तरफ लिख लो व्यक्ति, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लीजिए दिन। तो व्यक्ति कितने हैं? 200 व्यक्ति हैं, तो 200 लिख लेंगे। 200 व्यक्ति हैं और भोजन सामग्री कितने दिन के लिए थी? 30 दिन के लिए थी। जो भोजन सामग्री थी 30 दिन के लिए थी, जिसमें से 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ गए। ये 50 व्यक्ति 10 दिन के बाद आए हैं ना, तो 10 दिन तक तो इन 200 व्यक्तियों ने भोजन किया है। तो 30 में से 10 दिन भोजन हो चुका, तो अब भोजन बचा 20 दिन का, है ना। अब भोजन 20 दिन का बचा। अब 50 व्यक्ति आ गए हैं, पहले से 200 थे, अब 50 आ गए, तो टोटल व्यक्ति हो गए 250। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये बताना है आपको। देखो, जीरो से ये जीरो मैं यहां पे कटा दूंगा, 25 से 200 को कटाऊंगा तो ये 8 बार में कटेगा, और 8 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो 8 दुने का 16 दिन। अब भोजन कितने दिन चलेगा? अब भोजन 16 दिन चलेगा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 मीटर लंबी सड़क ही बन पाई है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। इसको करने के लिए टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला होता है उसे लगाना पड़ेगा। M1 D1 और T1 बटे में W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ये फॉर्मूला होता है जिसमें जो वैल्यू दी जाती है वो ले लेते हैं। M की मतलब व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं। तो 280 मजदूर लगाए गए हैं, 280 मजदूर। दिन कितने? टोटल काम 100 दिन करना है, जबकि 80 दिन काम कर चुके हैं। ये 280 मजदूर जो हैं, ये 80 दिन उन्होंने कार्य कर दिया, ठीक है, 80 दिन उन्होंने काम कर दिया। काम किया कितना है, वर्क कितना किया है? 3.5 मीटर, 3.1/2 का मतलब 3.5 मीटर लंबी सड़क इन्होंने बना दी, 5 किलोमीटर में से इतनी बना दी, ठीक है, बराबर। T1 का मतलब है टाइम, जैसे 2 घंटे प्रतिदिन काम करना है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है, वो वैल्यू नहीं दी गई तो उसे छोड़ देंगे। पहले से 280 मजदूर थे, बाद में कितने और लगाने वो नहीं पता, तो एक्स लगा देते हैं। टोटल काम 100 दिन में करना था, जिसमें से 80 दिन काम हो चुका है, अब बचा काम 20 दिन में करना है। बचा हुआ काम कितना है? 5 किलोमीटर की सड़क है, जिसमें से 3.5 मीटर बन चुकी है, तो बची कितनी? 1.5 किलोमीटर की बची है। अब दशमलव को हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा, यहां से दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा,
दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो ऊपर में बढ़ जाते हैं। अब इसको सरल कर लेना है, 7 5 35, 7 4 28 और 1 1 0, ठीक है। अब इसको मैं कटाऊंगा, देखो 2 0 से सीधा सीधा ये 2 0 कट गया और 2 से 8 कट गया 4 बार में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब देखो इसको हम करेंगे 4 4 16, 16 में जोड़ देंगे 1 0 तो 160, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 160, और 3 का मल्टीप्लाई कर दो 160 से 16 16 16 48, कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 160 से करेंगे 480, और बराबर के इधर कितना है 280 प्लस एक्स, यही तो है 280 प्लस एक्स। सवाल खत्म हो गया, हो गया भाई सवाल खत्म। दोनों का अंतर कर दो, 480 और 280 का अंतर कितना आ जाएगा 200 बस, x का मान कितना है 200 है। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया, शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की जरूरत है। फॉर्मूला वही लगेगा, m1 d1 t1 पूरे का बट्टा w1 बराबर m2 d2 t2 पूरे का बट्टा w2। कितने व्यक्ति हैं भाई, कितने व्यक्ति हैं, 60 व्यक्ति, तो मैं यहां 60 ले लूंगा। कितने दिन में काम करना है, देखो टोटल काम 62 दिन में करना है, जिसमें से 32 दिन कार्य किया गया है, 32 दिन कार्य किया गया है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, 32 दिन कार्य किया गया, कार्य कितना कर लिया W1, कार्य कितना कर लिया 2/3, कितना 2/3 कर लिया। अब ये जो नीचे वाला 3 है, ये यहां से हटके कहां पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है मल्टीप्लाई में, इतना आपको पता होगा बराबर। देखिएगा अब पूछ रहा है, समाप्त कर दिया, शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की जरूरत है। शेष कार्य को पहले से कितने व्यक्ति थे, 60, अब और कितने व्यक्ति लगाने हैं नहीं पता तो एक्स लगा लेते हैं। टोटल काम 62 दिन में करना था, जिसमें से 32 दिन कार्य हो चुका, बचा हुआ कार्य करना है 30 दिन में, ठीक है। बचा हुआ कार्य कितना है, देखो कोई हमारे पास एक कार्य है, इसमें से 2/3 हो चुका है, तो जो हो चुका उसे माइनस कर दूंगा मैं 2/3 को, 3 1 3, 3 में से माइनस कर दूंगा 2, तो बचेगा 1/3, तो काम बचा हुआ कितना है 1/3, और ये नीचे वाली संख्या कहां पहुंच जाती है मल्टीप्लाई में, ऊपर पहुंच जाती है, जैसे यहां से पहुंच गई थी ऐसे यहां से भी पहुंच जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, अब क्या करना, बस प्रश्न को आसानी से बना लीजिए, कुछ नहीं है, अब तो प्रश्न में आसानी से बन जाएगा। देखो 3 से 30 कट जाएगा, 30 से 60 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल। अब इधर क्या बचा आपके पास, 32, इधर बचा 60 प्लस है कितना 32 बराबर, इधर लिखता हूं मैं 32 बराबर 60 प्लस एक्स, यही तो है 32 बराबर 60 प्लस एक्स। अब 32 बराबर 60 प्लस एक्स है, अब 60 में से अब 32 का अंतर कर लो, 60 32 का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा भैया 28 आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा 28, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का ऐसा प्रश्न है जिसका तोड़ बहुत कम बच्चों के पास है। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हो तो मैं इसका तोड़ जरूर बताऊंगा। प्रश्न है, राम 4 किलोमीटर/घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह 6 किलोमीटर/घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। बहुत बार आपने परीक्षाओं में यह क्वेश्चन देखा होगा, इसका तोड़ बताऊंगा और 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना इस प्रश्न के लिए। ट्रिक क्या है नोट कर लेना भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं नोट कर लेना। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड में रखना है स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर, ठीक है, और गुना कर देना है समय, ठीक है। और समय कैसा होना चाहिए भाई, समय कैसा होना चाहिए सेकंड में, उसे आप क्या करोगे 60 से डिवाइड कर दोगे। सवाल खत्म। स्पीड 1 कितनी है 4 की, स्पीड 2 कितनी है 6 की, 4 और 6 का अंतर 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों का अंतर ही तो लेना है, 2 आ जाएगा। समय कितना है भैया, देखो 10 मिनट ये, 5 मिनट ये, टोटल 15 और डिवाइड में कितना 60, बस सवाल खत्म। 15 1 15, 15 4 60 हो जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो 3 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से। वही तो पूछा, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की है,
तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद इस प्रश्न को आप नहीं कर पाओगे। अगर करोगे भी तो 1 मिनट से ज्यादा का समय दोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत फास्ट तरीके से बता दोगे आप इसे। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न है, यदि 50 किलोमीटर की चाल से 200 किलोमीटर चलता है पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा। सवाल बढ़िया है, लेकिन यह वो सवाल नहीं है जो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। उसमें तो घर से स्कूल की दूरी पूछ रहा था, यह वो नहीं है। इसको कैसे करना, देखा आपके पास चाल भी है, आपके पास दूरी भी है, लेकिन समय नहीं है। तो समय निकाल लो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, देखो दूरी कितनी है आपके पास, 200 की है, चाल 50 की है, चेंज नहीं करना। दूरी भी किलोमीटर में, चाल भी किलोमीटर में, तो चेंज नहीं करना। यहां पे 50 से 200 कट जाएगा चार बार में, तो समय क्या निकल के आ गया, 4 घंटे का हमारे पास समय निकल के आ गया। अब यहां पे भी देख लो, यहां पे भी हमारे पास चाल है, यहां पे हमारे पास चाल पहले से दे रखी है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, 40 मिनट का टाइम दे रखा है। अब देखो प्रश्न को आराम से कर लो आप। समय बराबर क्या करना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। देखिएगा दूरी हमारे पास कितनी है, वही 200 मीटर की दूरी है, ठीक है, चाल कितनी है, 80 की चाल है, ठीक है, इसको कटाइए, 0 से 0 कटेगा, 8 से 20 को कटाऊंगा तो 2.5 बार में कट जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे का यहां पे हमको समय लग रहा है, ठीक है, 2.5 घंटे का। अब देखो 4 घंटे का समय यहां लग रहा है और 2.5 घंटे का समय यहां लग रहा है, तो 4 घंटे से, और ये कितना है, 2.5 घंटा, 4 घंटे से 2.5 घंटा। अब मैं इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करूं, 4 घंटे को मिनट में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 6 चौके 24 240 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 मिनट। और 2.5 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो ये 150 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 150 मिनट। अब 240 और 150 मिनट में अंतर कितने का भैया, 90 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर हुआ, 90 मिनट का। अब उसने हमसे बोला क्या था कि वो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो देरी से पूछ रहा ना, 40 को इसमें से माइनस कर दो, 90 में से 40 माइनस कर दोगे तो 50। पूछा क्या था ना, निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा, 50 मिनट पहले पहुंचेगा, 50 मिनट। सी ऑप्शन सही जवाब है, आराम से बना लोगे। ऐसे प्रश्नों को करने में कभी भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।